बाइनेंस ग्रुप ने सुना होगा, तो वहाँ जो हमेशा हम क्रिप्टो करेंसीज के बारे में बात करते हैं, गवर्नमेंट्स भी बात करता है, सेंट्रल बैंक भी बात करता है कि वहाँ पे टेरर ग्रुप्स का पैसा ना जा रहा है आ रहा है, किसी को पता नहीं चलता। आपको पता है वहाँ पे पता ही नहीं चलता किसका पैसा है, कहाँ जा रहा है, कहाँ से आ रहा है। तो टेरर ग्रुप्स काफ़ी यूज़ कर रहे थे, बाइनेंस ग्रुप क्लियरली वायलेट कर रहा था, मतलब US के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, तो वहाँ जो पैसा था टेरर ग्रुप्स का काफ़ी यूज़ हो रहा था, उनका जो रेगुलेशंस था लैक्स था। मतलब प्रॉफिट लेते जाओ कोई मतलब नहीं, किसका पैसा है कहाँ से आ रहा है कोई मतलब नहीं, मुझे प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट मेकिंग से मतलब है, यही हो रहा था वहाँ। $4 बिलियन का फाइन लगा है उन्हें, और CEO ने भी रिजाइन किया हुआ है, CEO को जेल भी हो सकता है, उसे कुछ फाइन लगा है, तो ये भी एक बड़ा न्यूज़ है। और क्रिप्टो में तो खैर बहुत तेजी है अभी भी, मतलब ठीक ठाक चल रहा है, ऐसा नहीं कि न्यूज़ के बाद कोई खास प्रॉब्लम आया हो क्रिप्टोज में, बहुत अच्छा कर रहा है मतलब। लेकिन हाँ बहुत ज़्यादा रिस्की है तो वो है, बट देन परफॉर्मेंस वाइज प्रेटी गुड। तो वो भी एक तरह का सिग्नल दे रहा है कि मार्केट में या तो थोड़ा लिक्विडिटी है, या फिर मार्केट को लग रहा है कि नियर फ्यूचर में लिक्विडिटी आ सकता है, क्योंकि हम जब एक्स्ट्रा पैसा होता है ना उसी का थोड़ा पैसा हम क्रिप्टो में डालने जाते हैं, पूरा पैसा हम नहीं डालते हैं या फिर हम ज़्यादातर पैसा नहीं डालते हैं। तो ये भी एक तरह का सिग्नल दे रहा है कि स्टॉक मार्केट के लिए या तो अच्छा समय या फिर अच्छा समय आने वाला है। इसके अलावा IPOs लास्ट वीक, मतलब इसी वीक 5 IPOs ओपन हुए थे, अब क्लोज भी हो गए, और उसका साइज अगर आप देखें IPO साइज तो 7,380 करोड़ के आसपास है, दैट्स इट। मतलब इतना पैसा वो रेज करना है उन्हें मार्केट से, लेकिन उसके लिए पैसा कितना इन्वेस्ट हुआ है, 2.6 लाख करोड़ लोगों ने इतना पैसा लगाया है, जबकि उन्हें मिलने जा रहा है सिर्फ 7,380 करोड़ का ही वर्थ ऑफ स्टॉक्स। तो इतना बड़ा जो इन्वेस्टमेंट हुआ वो भी एक बड़ा रीजन है। आपने देखा होगा ना इस वीक अगर मार्केट देखे मंडे टू फ्राइडे तो कोई मूवमेंट नहीं था, थोड़ा ऊपर जाता था थोड़ा नीचे आता था, किसी तरह कोई खास मूवमेंट नहीं है। सो 5 IPOs थे, उसमें से सबसे ज्यादा तो ऑफकोर्स टाटा टेक पे ही पैसा लगा है, नेचुरली उस पे लगना भी था। तो उसमें मतलब एक इंटरेस्टिंग ये है कि उनका IPO साइज कोई बहुत ज़्यादा बड़ा 3,000 करोड़ के आसपास ही है, लेकिन उसमें जो नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स आए हैं वो 7.36 मिलियन आए हैं, जो कि अब तक का हाईएस्ट है, ये एक रिकॉर्ड है, क्योंकि LIC सबसे बड़ा IPO था रिसेंट टाइम्स का, वहाँ सिर्फ 7.34 मिलियन ही आए थे, तो उससे भी ज़्यादा एप्लीकेशंस आए थे टाटा टेक में, टेक्नोलॉजी में, तो वो एक इंटरेस्टिंग है। फिर देखिए इलेक्शंस, 5 स्टेट के इलेक्शंस चल रहे हैं, राजस्थान, MP, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम, 3 दिसंबर को रिजल्ट आने वाला है। देखिए बहुत सारे लोग आप सुनेंगे ना कि ये इलेक्शन रिजल्ट्स का मार्केट वेट कर रहा है, थोड़ा मूवमेंट आएगा, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। फ्रेंकली स्पीकिंग स्टेट इलेक्शन से कोई खास फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि पहले भी हमने देखा है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट का इलेक्शन है उसका जो रिजल्ट आता है या उसमें जो वोटिंग पैटर्न है वो काफ़ी हद तक अलग चला जाता है एज़ कम्पेयर टू स्टेट इलेक्शंस, तो इसे बहुत ज़्यादा वेटेज नहीं देना चाहिए। हाँ देखिए जब रिजल्ट आएगा थोड़ा एडवर्स आएगा तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन कोई खास फर्क नहीं पड़ने जा रहा है, क्योंकि मोस्टली इन स्टेट्स का अगर आप आउटकम बोले तो मोस्टली गारंटीड तो किसी बात की नहीं, जब रिजल्ट आएगा तब पता चलेगा, मोस्टली हमें पता है कि कौन जीतने जा रहा है कौन हारने जा रहा है, तो इससे कोई खास स्टॉक मार्केट के मामले में ये मतलब बता सकता हूँ कोई खास फर्क नहीं पड़ने जा रहा है। बोला जा रहा है सेम फाइनल है, फाइनल ऐसा कुछ नहीं है, वो बिल्कुल अलग इलेक्शन है, इससे उसका कोई कंपैरिजन नहीं है। लाइक कर्नाटका का भी जब इलेक्शन हुआ था तो उस समय देखिए इससे भी कोई, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का इलेक्शन होगा ना उस समय जो वोटिंग होगा बिल्कुल अलग होगा, तो इसीलिए ऑल्दो यहाँ पे काफ़ी चेंजेस आएंगे, लाइक राजस्थान कांग्रेस का भी है तो वहाँ हमेशा चेंज होता है, तो ज़्यादातर चांसेस है कि BJP आएगा। MP देखिए पिछले बार भी कांग्रेस ही जीता था, ऑफकोर्स उसके बाद BJP आ गया था, लेकिन फिर से वही लग रहा है कि फिर से चेंज होगा, तो BJP ऑलरेडी इतने सालों से है तो कांग्रेस के चांसेस ज़्यादा हैं। छत्तीसगढ़ में तो क्लोज फाइट है, लेट्स सी, लेकिन हाँ थोड़ा एज है वहाँ भी कांग्रेस का, जबकि कांग्रेस का ही वहाँ है लेकिन फिर थोड़ा एज है वहाँ। तेलंगाना देखें तो वहाँ तो BJP है ही नहीं, वहाँ कांग्रेस है, लोकल जो वहाँ की पार्टी है वहाँ है, तो ये मोस्टली क्लैरिटी है यहाँ पे, कोई ऐसा नहीं है कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट आ जाएगा, तो ये है, तो इससे कोई खास स्टॉक मार्केट के मामले में कोई खास रेलिवेंस नहीं है। इसके अलावा रिस्क वेट बढ़ाया गया है बैंक्स और NBFCs में, तो देखिए लोन्स दो तरीके के होते हैं, एक होता है सिक्योर्ड होता है और एक होता है अनसिक्योर्ड, तो
सिक्योर्ड लोन्स का रिस्क वेटेज नहीं बढ़ाया गया। रिस्क वेटेज का मतलब क्या हुआ? रिस्क वेटेज का मतलब ये हुआ कि जब भी बैंक्स या फिर एनबीएफसीज लोन देती हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत डिफॉल्ट होता है। डिफॉल्ट मतलब लोग पैसा वापस नहीं कर पाते हैं, प्रिंसिपल अमाउंट या फिर इंटरेस्ट अमाउंट। तो उसके लिए थोड़ा सा इन्हें बफर रखना पड़ता है, कैपिटल रखना पड़ता है बैंक्स को या एनबीएफसी को, ताकि ये जो डिफॉल्ट हो उसके कारण बैंक या एनबीएफसी ही बंद ना हो जाए, थोड़ा पैसा एक्स्ट्रा रखा जाता है ताकि उसे कवर अप किया जा सके। यही हुआ रिस्क वेटेड। तो सिक्योर्ड लोन, अनसिक्योर्ड लोन, तो सिक्योर्ड में तो कोई इशू नहीं। सिक्योर्ड लोन में हो गया होम लोन, हो गया गोल्ड लोन, हो गया ऑटो लोन, ये सब सिक्योर्ड लोन में आते हैं, तो यहाँ पे तो कोई डिफरेंस नहीं आया है। अनसिक्योर्ड लोन में रिस्क वेट को बढ़ाया गया 100 से 125%। तो वो इसलिए बढ़ाया गया क्योंकि पहले भी, अगर आप हमारा लाइव स्ट्रीम सुनते हैं तो पहले भी हमने इस बात पर डिस्कस किया था कि जो मार्जिन्स है बैंक्स का ना, वो थोड़ा घट रहा है। तो बैंक्स अपने मार्जिन्स को मेंटेन करने के लिए एक तरीका क्या है, बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन एक तरीका क्या है, अनसिक्योर्ड लोन दो, क्योंकि वहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा होता है। तो रिस्की तो बहुत है, लेकिन हाँ उससे मार्जिन्स जो ये थोड़ा लूज आउट करे वो कवर अप किया जा सकता है। और ये अनसिक्योर्ड लोन बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं इंडिया में। बैंक्स हो, एनबीएफसी हो, आपको लोगों को भी शायद पता होगा, रेगुलर कॉल्स, पर्सनल लोन, पर्सनल लोन, पर्सनल लोन। तो ये ऑफकोर्स ये रिस्की जोन है, इसलिए आरबीआई ने किया है और मोस्टली सही किया है। तो जैसे पहले था कि पर्सनल लोन हो गया अनसिक्योर्ड है, क्रेडिट कार्ड का जो आउटस्टैंडिंग है वो भी अनसिक्योर्ड है। तो जैसे पर्सनल लोन पहले 100 रुपीज़ का देता था बैंक, तो उस पर 8 रुपीज़ को वो अलग रखता था कि अगर डिफॉल्ट हुआ तो ये मेरा कवर अप करेगा। अब वो 8 रुपीज़ की जगह पे 10 रुपीज़ एक्स्ट्रा रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे कैपिटल का रिक्वायरमेंट बढ़ गया बैंक्स का, तो वो है। और एनबीएफसी को तो डबल प्रॉब्लम हुआ है, वो इसलिए क्योंकि बैंक्स जो एनबीएफसी को लोन देती हैं उसका रेट, उसका वेटेज बढ़ गया 100 से 125, और प्लस एनबीएफसी जो अनसिक्योर्ड लोन दे रहे हैं वहां पे भी वेटेज बढ़ गया। तो उन्हें दो तरीके का मार पड़ा है। तो इसीलिए एनबीएफसी का स्टॉक्स भी अगर आप देखें तो हिट हुआ है, बैंक्स के भी कुछ स्टॉक्स हिट हुए हैं इसके कारण, लेकिन बैंक्स पे कोई बहुत बड़ा असर नहीं पड़ने जा रहा है। एनबीएफसी पे थोड़ा फर्क पड़ेगा, कॉस्ट ऑफ फंड्स उनका और 10 से 20 बेसिस पॉइंट्स ऊपर जाने का उम्मीद है। वो भी डिपेंड करेगा किस तरह का एक्सपोजर है, लेकिन एनबीएफसी कितना ज़्यादा लोन लेती है बैंक से, उसके बाद अनसिक्योर्ड जो लोन है उसका परसेंटेज कैसा है, ये सब चीज़ें डिपेंड करेगा। बट हाँ रफली इस तरह का तो थोड़ा प्रेशर है बैंक्स और एनबीएफसी, खासकर एनबीएफसी पे। बट हाँ मीडियम टू लॉन्ग टर्म ये सब कवर अप हो जाएगा, ये शॉर्ट टर्म हिकअप्स है, कोई बड़ी बात नहीं है। और ये अगर मार्केट ओवरऑल देखें तो मार्केट में मूवमेंट नहीं है, लेकिन मार्केट बहुत अच्छा है। अगर आप इकोनॉमिकल कंडीशन देखें तो पहले से बहुत इम्प्रूवमेंट है। हमास और इसराइल का इशू चल रहा था तो उस समय लगा था कि क्रूड ऑयल के प्राइसेस बहुत ऊपर चल जाएंगे, कुछ महान लोग वो सेम 100 क्रॉस कर जाएगा, 150 चला जाएगा, ये हमेशा होता है। खैर कितनी बार हम सुन चुके हैं कि ये सब चीज़ें अब हम लोग सीरियसली नहीं लेते हैं, बट एनी हाउ शुरू में लग रहा था ऊपर जाएगा क्रूड ऑयल के प्राइसेस, हुआ नहीं। अब तो 80 के आसपास आ गया है ब्रेंट क्रूड का, अगर आप देखें US डॉलर्स पर बैरल। तो ये बहुत अच्छा न्यूज़ है इंडिया के लिए, क्योंकि हम ज़्यादातर इंपोर्ट करते हैं। US इंटरेस्ट रेट जो हम 5% की बात बोलते थे वो 4.47% आ गया है, बहुत अच्छी खबर है हमारे लिए। US का इन्फ्लेशन 2% के आसपास उन्हें लाना है, वो फिलहाल 3.2% पे आ गया है, घटा है, वो भी बहुत अच्छी न्यूज़ है हमारे लिए। इंडिया का 10 ईयर भी थोड़ा बढ़ गया था, वो भी घट के अभी 7.27% के आसपास है। हमारा इन्फ्लेशन जो कि 4% के आसपास लाना है वो 4.87% के आसपास आ गया है, ये भी बहुत अच्छा न्यूज़ है। तो ओवरऑल देखिए, और US मार्केट्स को भी अगर आप देखेंगे, स्टॉक मार्केट्स, तो अच्छा परफॉर्मेंस चल रहा है वहाँ, ठीक ठाक रिटर्न्स आ रहे हैं। तो ओवरऑल अगर आप पैरामीटर्स देखें तो अच्छा है। इंडिया का GDP ग्रोथ रेट ऑफकोर्स मतलब वर्ल्ड 3% के आसपास वर्ल्ड का GDP ग्रोथ रहेगा, हमारा अबाउट 6 से 6.5% के आसपास रहेगा। तो वर्ल्ड का जो एवरेज GDP ग्रोथ रेट है उसे 3 से 3.5% एक्स्ट्रा होगा, जो कि बहुत अच्छा है रिलेटिवली। क्योंकि अगर वर्ल्ड ही 3% पे ग्रो कर रहा है तो आप नहीं एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आप 9-10% से ग्रो करेंगे, एवरीथिंग इज रिलेटिव। तो दैट मामले में GDP ग्रोथ रेट भी हमारा बहुत अच्छा है, तो चीज़ें अच्छी लग रही हैं। और अच्छे लगने का एक और बहुत बड़ा रीज़न मैं आपको बताता हूँ कि मार्च से लेकर अगस्त तक अगर आप देखें तो स्टॉक मार्केट ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया था, इंडियन स्टॉक मार्केट्स ने अच्छे रिटर्न्स आए थे। उसका एक बड़ा रीज़न क्या था, FIIs ने पैसा लाना शुरू किया था। उसके बाद सितंबर, अक्टूबर और मिड और नवंबर का फर्स्ट फ्यू डेज स्टॉक मार्केट में कोई खास आया नहीं, गिरा मोस्टली। वो इसलिए क्योंकि FIIs पैसा निकालना शुरू कर चुके थे।
और उसके बाद अब रीसेंट टाइम्स में लास्ट फ्यू डेज से अगर आप देखें ना, तो कभी कभी आपको FIIs का जो पैसा है वो पॉजिटिव दिखेगा। देखिए FIIs का पैसा पॉजिटिव का मतलब ये नहीं कि पॉजिटिव है तो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, निगेटिव है तो पैसा बिल्कुल नहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं। इन्वेस्ट हमेशा कर रहे हैं, निकाल हमेशा रहे हैं, लेकिन जो नेट है मतलब जो खरीद रहे हैं और जो बेच रहे हैं उसको जोड़ घटाकर जो नेट बचता है वो जनरली हम देखते हैं। तो वो फिलहाल कुछ दिन इधर मैंने देखा है पॉजिटिव भी आ रहा है, जो कि पहले नहीं आ रहा था। तो ये भी एक बहुत बड़ा पॉजिटिव है। पॉजिटिव क्यों आ रहा है? देखिए मार्च में से पॉजिटिव इसलिए स्टार्ट हुआ, FIIs का पैसा आना शुरू हुआ ज़्यादा, क्योंकि उस समय लग रहा था कि भाई इन्फ्लेशन अब कम हो रहा है तो अब शायद इंटरेस्ट रेट ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, इंटरेस्ट रेट कट भी हो सकता है US में आने वाले महीनों में। उसके कारण इंडियन स्टॉक मार्केट का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा। उसके बाद सितंबर आते आते लगा कि नहीं भाई, ये तो फेड के कमेंट्री से लगा कि नहीं अभी रेट हाइक साइड शायद और होगा, रेट कट्स बहुत दूर है। उसके कारण मार्केट फिर से गिरना शुरू हुआ, FIIs पैसा निकालना शुरू शुरू किया। अब रिसेंट टाइम्स में फिर लग रहा है कि नहीं अब रेट हाइक नहीं होगा, जो होना था हो गया। तो फिर एक पॉजिटिविटी आया, उसके कारण थोड़ा FIIs का पैसा और आना शुरू हो गया है, कभी कभी पॉजिटिव आ रहा है। तो इन सभी चीज़ों को देख कर लगता है कि हाँ ठीक ठाक है, रिटर्न्स आने चाहिए। और प्लस इलेक्शंस आने वाले हैं, तो कई बार ऐसा हुआ है ना प्री इलेक्शन रैली भी आता है। तो मार्केट्स फिलहाल देखिए मार्केट्स ये लेकर चल रहा है कि जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है वो कंटिन्यू करेगा। कंटिन्यूटी अच्छा होता है वर्ल्ड में कहीं भी, अगर गवर्नमेंट का काम ठीक ठाक है। तो फिलहाल मार्केट ये लेकर चल रहा है, तो मार्केट अगर यही लेकर चलता है कि प्रेजेंट गवर्नमेंट कंटिन्यू करेगा, स्टेबल गवर्नमेंट रहेगा सबसे बड़ी बात, तो मोस्टली मोस्टली ऑफकोर्स नथिंग इज गारंटेड, हम अच्छे रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं आने वाले फ्यू महीने में। लेकिन हाँ फिर यही है, आपने कई एक्सपर्ट्स को सुना भी होगा कि अगर मार्केट ये लेकर चल रहा है लेकिन रिजल्ट कुछ दूसरा आ गया, सो कॉल्ड खिचड़ी गवर्नमेंट ना, मेजोरिटी नहीं आया, ये 20-30 ग्रुप्स मिलकर अगर कुछ गवर्नमेंट बनाते हैं आपस में ही, वो फिर प्रॉब्लम्स चलता है, तो फिर मार्केट बहुत बुरी तरह से गिरेगा। 15-20% भी गिर सकता है, उससे ज़्यादा भी गिर सकता है, लेट्स सी। तो वो एक इश्यू आ सकता है, बट फिलहाल नहीं लगता है कि वैसा होगा, सो लेट्स सी। इसके अलावा एक और न्यूज़ है, पंकज टिबरेवाल, आप लोगों का शायद कमेंट में भी आया था, पंकज टिबरेवाल कोटक म्यूचुअल फंड के सीनियर फंड मैनेजर थे, वो उन्होंने रिज़ाइन कर दिया है। तो वो मोस्टली दो बहुत अच्छे फंड्स हैं कोटक के, कोटक स्मॉल कैप और कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड जो कि उसका मिड कैप फंड है, इन दोनों फंड्स को 2010 से मैनेज कर रहे थे। बहुत अच्छे फंड मैनेजर हैं, सालों से बहुत अच्छा परफॉर्मेंस इन्होंने दिया है। तो ऑफ कोर्स इट्स अ बिग लॉस, बट देन कोटक ना बहुत बड़ा म्यूचुअल फंड कंपनी है, बैंक का बैकिंग है, और भी काफ़ी सारे फंड मैनेजर्स हैं, पुराने फंड मैनेजर्स हैं जो कि मैनेज कर रहे हैं, और साथ साथ ऑलरेडी उन्होंने हायर भी किया हुआ है न्यू फंड मैनेजर्स। लेकिन अगर स्मॉल कैप को देखें, कोटक स्मॉल कैप, तो मिस्टर हरीश भिवानी ऑलरेडी आ चुके हैं, वो ICICI से म्यूचुअल फंड से आए हैं, वहाँ पे वो सीनियर फंड मैनेजर थे, 16 ईयर प्लस का एक्सपीरियंस है। प्लस कोटक इमर्जिंग इक्विटी को देखें तो मिस्टर हर्ष उपाध्याय उसे अब मैनेज कर रहे हैं, वो ये भी बहुत पुराने फंड मैनेजर हैं, अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। तो ऑफकोर्स मिस्टर पंकज टिब्रवाल बहुत अच्छे फंड मैनेजर थे, इट्स अ लॉस देयर इज नो डाउट, बट देन लोग हैं जो कि कवर अप करते हैं, बड़े जो बड़ा फंड हाउस होता है ना उसमें मोस्टली ये लोग मैनेज कर लेते हैं, क्योंकि देखिए जो रिसर्च टीम है सेम रिसर्च टीम है, मोस्टली वही रिसर्च करके आपको सारे डिटेल्स देंगे। फंड मैनेजर्स अगर कोई फंड मैनेजर जाता है उसकी जगह पे आप अच्छा फंड मैनेजर लाते हैं अच्छे क्वालिटी का, जिसका अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, क्वालिफिकेशन अच्छा है, तो मोस्टली प्रॉब्लम्स नहीं होने चाहिए। बट एनी हाउ क्या होता है ये समय बताएगा, सो लेट्स वेट एंड सी। यस, सो आज का टॉपिक है लमसम इन्वेस्टमेंट कैसे करें। देखिए लमसम का सिंपल आप याद रखें, जब भी मार्केट थोड़ा ऊपर रहे, वैल्यूएशंस थोड़ा ज़्यादा रहे, SIP और STP बेस्ट है, उसे कंटिन्यू करते रहे, सिंपल। और जब मार्केट थोड़ा गिर जाए, लाइक 5% 10% इस तरह का कोई गिरावट आए, जितना ज़्यादा गिराए गिरे इन्वेस्टमेंट के लिए उतना अच्छा है, उस समय बिल्कुल लमसम करते रहे। ये थंब रूल है, इसे लाइफ लॉन्ग आप याद रखें। मार्केट अगर थोड़ा ऊपर है ज़्यादा है तो SIP STP चलते रहने, कोई भी ऐसा समय नहीं हो जब आप इन्वेस्टमेंट ना करें। अगर पैसा हो तो ऑफकोर्स पैसा होना जरूरी है, तभी इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो ऐसा नहीं कि मार्केट बहुत ऊपर चल गया तो मैं इन्वेस्टमेंट नहीं करूंगा, मैं मार्केट नीचे गिरने का वेट करूंगा, वैसा पीरियड कभी नहीं आएगा। हाँ जब मार्केट ऊपर है तो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। SIP जो हम करते हैं ना, स्मॉल स्मॉल अमाउंट का मंथली अगर उस तरह का करते हैं तो वो चलता है, उसमें कोई इशू नहीं है। STP अगर छोटा छोटा अमाउंट का हम करते हैं वो भी चलता है, कोई दिक्कत नहीं। बड़ा इन्वेस्टमेंट अवॉइड करना चाहिए एक साथ,
लेकिन हाँ, जब मार्केट गिरने लगे लाइक 5% 10%, अगर 15-20% गिरे तो इन्वेस्टमेंट के लिए और अच्छा है। उस तरह का जब गिरावट है ना, तब बड़ा बड़ा पैसा आप डालते रहे। तो ये बेसिक थंब रूल है इन्वेस्ट लमसम इन्वेस्टिंग का, हमेशा याद रखें। और अगर मार्केट बहुत ऊपर है तो बड़ा पैसा इन्वेस्ट नहीं करें अगर वैल्यूएशन ज़्यादा हो। फिलहाल वैल्यूएशन अगर देखेंगे तो लार्ज कैप का वैल्यूएशन ठीक ठाक है, कोई बड़ा इशू नहीं है वहाँ पे। मिड कैप स्मॉल कैप का वैल्यूएशन थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन अगर आप पास्ट में देखेंगे तो ये जो ज़्यादा वैल्यूएशन है, इससे भी बहुत ज़्यादा वैल्यूएशन आ चुका है। ऐसा नहीं कि इतना वैल्यूएशन मैक्स है, इसके ऊपर जा ही नहीं सकता, इसके ऊपर भी बहुत जा सकता है। लेकिन जाएगा नहीं जाएगा क्या होगा, ऑफकोर्स ये समय बताएगा। तो इस तरह के मार्केट में ऑफकोर्स हमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट अवॉइड करना चाहिए, थोड़ा बहुत है चलते रहना चाहिए। मैं हमेशा बोलता हूँ कभी कुछ बंद नहीं करना चाहिए। अब किसी ने अपना एलोकेशन डिसाइड किया हुआ है लार्ज कैप मिड कैप स्मॉल कैप, तो मोस्टली उसे मेंटेन करके रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि उसमें पूरा हम चेंज कर दें, चेंज करेंगे तो हमेशा चेंज करते रहेंगे, उससे मतलब ओवरऑल आपका पोर्टफोलियो ही हिट होगा।